का चाची बड़ी नाराज चाची के कहा था गोवा था ले पल्ला चाची चाचा के का कहा था बड़ी नाराज लग रही है नाराज ना रही जब पेट पल्ला मारा था सब तो नाराज देखिए नरेंद्र मोदी जी आओ तो प्रधानमंत्री लो दे ऊपर पर जाम ऐसे नहीं कर जाना काहे ना कर जाला जब आज हाय जहाजिया मरिए हम गाड़ी ना देब कहां का जहाजिया उतरी तो तोहरे ना उतरी हम जहाजिया अब जात है कि हम हाय चाय खाए चाय पेट भरे चाहे हमर बच्चा मरिए हम मोदी दे थम 5 किलो राशन मिले थन तो का जरूरत 5 किलो राशन मैंने गाड़ी में डालना हां हम ना राशन चाहिए अच्छा खैर जा तो पैसा जितना गेल पैसा पूरा मिलल कि नहीं हम 1 रुपया ना मिलल हम आधी आधी रात का पानी भरले हम दिया ले के तकलीफ होता चाची तकलीफ ना होई लोग अच्छा ये बताओ कितना खर्च लगा है चाची हमें खर्च कितना लगा जोताई लगा लिया डाई लगा लिया यूरिया लगा लिया मेहनत कैले हैं तो बिसा खेत बढ़िया मनाई लेके हम अपने में आधी आधी रात का पानी भर ले हैं वहाँ से पानी लेके आ दो दिन रात रात का पाइप हम बटोर के फैला के उठा के ले गए 1-2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से खेत पानी से लेके आए हाँ ले आए हैं और आपको बता दूं कि ये चाची इतना परेशान है दर्द है देख लीजिए इधर देख लीजिए अगर ये पहले से कह दिया गया होता रख ले इंच हमारे लड़का हम तो देत हम दिया खाए के हम अभी आएंगे फिर चले जाएंगे का चाचा फिर चल हां हां तो यहां फिर चल ले यहां यहां आ दे लो तो कि जनता मत बोवा लोगन मत बोवा ना बोले हो सब केतानी मेहनत केतानी महा मांग का जोताई बोवाई दे के खाद सोरा ना के मुंह पे आके पेटे पे लात मारा था तो कष्ट दुख ना है तो चाची एक बात बतावा कि लोग कहते हो कि नहीं 900 रुपया बहुत इतना कहाँ इतना तो ना कमाई हो पावत तो 900 का अपन लेके जाए ले जाओ ऐसा लेके जाए 900 लेके जाए अपन आपको बता दूं कि यहाँ के वे लोग हैं वहाँ के किसान मैं तो 1 क्विंटल हम भूसा हो ना पाए और लड़कवन का पेटवा है अपन कहाँ से जी आई वैसे गेहूँ भी मिलत हाँ भूसा भी मिलत भाई काटे तो गेहूँ पाई भूसा पाई तो इतना मेहनत कहनी मजूरी भी कहनी किसान मन हम कहाँ जब मेहनत मजूरी करें गरीब मनई आपको बता दूं कि 900 रुपया अच्छा कितना मिल जाता तो अच्छा रहा कितना मिल जाता अब मिला चाहे मत मिला हमें पैसा का ना भूखे में हमें 1 रुपया ना दे बहुत मेहनत करने के बाद किसी तरह ये खेत हो पाया और आज इसी की जोताई हो रही है लोग खड़ी फसल को जोत रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है आप देख लीजिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शायद न होता तो इतना लोग अगर यही लोग कह रहे हैं कि अगर 10 दिनों के बाद अगर ये लोग आते तो शायद बहुत कुछ अच्छा होता है नहीं क्या दादा ये बताइए कह रहे हैं कि ये कहे चाची कि नहीं तो 900 रुपया कम बहुत ज़्यादा लगा था इधर आइए भैया 900 रुपया कम लगा था बहुत ज़्यादा और क्या 900 रुपया का अठुआ हुई कितना मिल जाता अच्छा रहा कितना मिल जाता कम से कम 60 किलो हुई एक बिस्सा में 60 50 किलो माल ला 1 किलो में 60 किलो होता है 10 बिस्से के हिसाब से 60 किलो एक बिस्सा में 60 माल ला 22.5 दर से जोड़ ला कितना हुई इस टाइम पे गेहूँ का रेट 27-28 सौ तब क्विंटल प्रति नहीं सरकारी रेट जोड़ ला 22.5 सौ से 50 किलो की कितना हुई 4000 बताओ कि गेहूं भाई ला क्विंटल अरे 3000-4000 क्विंटल गेहूं बा मैंने खरीदल जला मोल 1200-1300 भूसा भया ले समय 1500 को दे था भूसा चाची एगो समय रहल होई कि बहुत तोले बिन बिन के खैले रहलो बोलो अब हिन वा हाल है अब हिन अधिया टिकुली सब बो के जियत खात है जेकर खेत ते ले लेई आ जे अधिया बोले उ कहां जाई बाऊ अच्छा अधिया बोले उ काहे अधिया ना बोल बा है कुल अधिया बोल जेकर खेत होकर तो मिल जाई अजी अधिया के ले ओके देखो पैसा ऊ कहां जाई यहां सबके बहु 3-4-5 भैंस गोरू हमार हां अच्छा भुइहार लोगन के खेत है का ई भुइहारन कहां बाऊ अच्छा हां भुइहारन का सब यहां अधिया टिकुली आ कुछ छोटो जात का है हां बाकी ज्यादा सब भुइहारन का अधिया टिकुली कइले अहिरन के सब कइले हाँ उन लोग पास खेत हाँ केवट भर में हाँ दादा ये तो नुकसान न होता जो ना देखत हुआ बस लगा ला कैश हाँ कैश लगा ला आपको जानकारी है ना ये करे बारे में कितना नुकसान होता बस वह बात खत्म करा आपको बता दूं कि अभी हम उस जगह है फिलहाल देख लीजिए इधर अगर यही भैंस से अगर खड़ी फसल में लग जाए तो लोग दौड़ करके लाठी डंडा से भगाना शुरू कर देंगे लेकिन अब इस गेहूं का अस्तित्व ही नहीं रह गया क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं
900 रुपया बिस्सा के हिसाब से इन लोगों को दिया जा रहा है कि लो भैया 900 रुपया में तुम्हारा मजे आएगा, लेकिन ये लोग कह रही है कि अगर अगर हम पूरी बुवाई करते पूरी कटाई करते तो लगभग एक बिस्सा में 50 से 60 किलो गेहूँ निकलता, लेकिन फिर भी क्या करें भाई, प्रधानमंत्री का आना जाना लगा तो रहता ही है, लेकिन इस बार बड़े विशेष कार्यक्रम से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है और उद्घाटन के बाद जिस तरह से खेतों की दुर्गति हो रही है, लोगों का कहना है कि अगर मैं काटती या काटता तो शायद भूसा भी मिल जाता, गेहूँ भी मिल जाता, यहाँ तो 900 रुपया में ही काम चला कि हाँ ये दिन गोरुन के घर जितना मिली हाँ मने तो कैसे हो कि तू अरे घर से वहाँ से जुहाय ली है, अब भूसा दिन घर जाए कैसे जुहाय है। आज हमारे तीन बजे भैंस बान लनिया में गए लनिया हॉस्पिटल, लड़की तबीयत खराब है तो ना बहन जाए के छोड़ ली। खैर हम लोगों का बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, प्रशासन सुनेगी भी नहीं, अगर हम चाहेंगे भी कि आपकी आवाज़ दूर तक फैला दें लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए।